नमस्कार, मैं प्रिया। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज रोजगार से जुड़े समाचार में हम आपसे बात करेंगे यूके एसएसएससी, जेपीएससी, एम्स, यूपीपीएससी, एचपीएसएलएसए, जीएमसीएच, ओपीएससी, महाराष्ट्र मेट्रो, एम्स, सिमको की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यूके एसएसएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्टेट कोऑपरेटिव सुपरवाइजर, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सीड टेस्टर, फार्म सुपरवाइजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 73 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक्स में या बॉटनी में या सीड प्रोडक्शन में या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री और वर्किंग एक्सपीरियंस का होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 42 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 9 मार्च 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.ssc.uk.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यूके एसएसएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है शुगर केन सुपरवाइजर, स्टेट मिल्क सुपरवाइजर, प्लांटेशन सुपरवाइजर, गार्डन ओवरसीयर, फूड प्रोसेसिंग ब्रांच सुपरवाइजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 100 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं या 12वीं या डिप्लोमा एग्रीकल्चर के साथ या इंडियन डेयरी में या फूड प्रोसेसिंग में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 42 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 12 मार्च 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप ssc.uk.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है डिस्ट्रिक्ट डेंटल डॉक्टर, सीनियर डेंटल डॉक्टर, डेंटल ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 93 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बीडीएस या एमडीएस की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 23 से 35 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी एससी एसटी को 600 रुपए, एससी एसटी ओबीसी जो कि सिर्फ झारखंड के रहने वाले हैं उनको 150 रुपए और पीएच को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.jpsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स देवघर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 120 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो इसमें एनेस्थीसियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, कार्डियो थोरासिक एंड वैस्कुलरी सर्जरी, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, ईएनटी, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हेमाटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑब्स्ट्रियाटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी, ऑर्थोपीडियाट्स, पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, लैब मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, साइकियाट्री, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक और यूरोलॉजी है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास एमबीबीएस या एमएस या फिर एमडी रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो लगभग 58 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी को 1500 रुपए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को 1200 रुपए और पीएच को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.aimsdeoghar.edu.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है माइंस ऑफिसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, रीडर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 19 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग में या यूनानी में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 45 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 105 रुपए, एससी एसटी को 65 रुपए, पीएच को 25 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट यूपीपीएससी.यूपी.एनआईसी.इन पर जाकर आवेदन भर सकते हैं।
इसके बाद अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी HPSLSA की तरफ से निकाले गए रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 13 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बीटेक या एमसीए या बीएससी, आईटी या पीजीडीसीए या बीसीए या फिर ग्रेजुएशन शॉर्ट हैंड स्पीड 60 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी में और हिंदी में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी और हिंदी कंप्यूटर पर होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 45 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर को ₹340 और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को ₹190 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप hpslsa.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल GMCH चंडीगढ़ की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्टाफ नर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 162 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो GNM में डिप्लोमा होना या बीएससी नर्सिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 37 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी को ₹500, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को ₹1000 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 15 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.gmch.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन OPSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 123 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 38 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST जो सिर्फ ओडिशा के रहने वाले हैं और PH को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। बाकी सभी श्रेणी के लोगों को ₹500 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.opsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर सीनियर सेक्शन ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 10 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, मैकेनिकल, ट्रैक्शन, पावर कंट्रोलर का होना अनिवार्य है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो डिग्री या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ वर्किंग एक्सपीरियंस का होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 32 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी को ₹400, SC ST को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 14 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.mahametro.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्टाफ नर्स, जो कि सिर्फ पुरुषों के लिए है। वहीं अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 558 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा GNM में या फिर BSc नर्सिंग में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को ₹125, SC ST EXSM को ₹65 और PH को ₹25 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ऋषिकेश की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सीनियर रेजिडेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 76 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो इसमें एनेस्थीसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड ऑर्थोडोंटिक्स, डर्मेटोलॉजी, ENT, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑब्स्ट्रियाटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, लैब मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकियाट्री, रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक, ट्रॉमा सर्जरी, इमरजेंसी मेडिसिन है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास MD, MS या MDS या DM या MCH या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 45 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल को ₹1200, SC ST को ₹500 और PH को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 22 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.aimsrishikesh.edu.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं।
इसके बाद अब हम आखिर में बात करेंगे साउथ इंडिया मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सिमको वेल्लोर तमिलनाडु की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ऑफिस असिस्टेंट सेल्समैन सुपरवाइजर अकाउंटेंट ब्रांच मैनेजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 48 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं या 12वीं या ITI या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन रेलेवेंट सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को 500 रूपए, SC ST को 250 रूपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.simcoagri.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही साप्ताहिक रोजगार समाचार में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।